बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के बयान से राजधानी भोपाल की सियासत गर्मा गई है। दरअसल उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो भी नेता चुनाव लड़ चुके हैं और चुनावी परफॉर्मेंस लो रहा है, उन लोगों को 2023 के दो चुनावों में टिकट की उम्मीद नहीं करना चाहिए। वहीं इस पर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुरलीधर राव प्रदेश के केंद्र की तरफ से प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी को मजबूती मिलेगी, वह जो भी कहेंगे उसका हम सभी लोग स्वागत करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखने पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। तो हर बात में कुछ ना कुछ कमियां निकालने का काम करती है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से स्वतंत्र है, इलेक्शन कमीशन को निर्णय लेने का पूरी तरह से अधिकार है। कांग्रेस को कोई भी बात कहना है तो इलेक्शन कमीशन दिल्ली में जाए, वहाँ पर बात करें, बताएं उनको। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, माननीय मुरलीधर राव जी हमारे प्रदेश के केंद्र की ओर से पार्टी के प्रभारी हैं और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो कहा है वो पार्टी संगठन के व्यापक हित में ये बात उन्होंने कही है, और वो हमारे प्रभारी हैं, वो जो निर्णय करेंगे उसका हम लोग स्वागत करेंगे। सर, कांग्रेस ये कह रही है।